राकेश टिकैत ने तालिबान से की केंद्र सरकार की तुलना, पीएम और सीएम को बताया बाहरी, बीजेपी ने दिया जवाब। यूपी के परिषदीय स्कूलों में बच्चों के टेस्ट, लिखित और मौखिक परीक्षा पर पाबंदी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने किया निरीक्षण, इसी महीने पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। ब्राह्मण समाज के खिलाफ पिता के बयानबाजी से दुखी हूं, सीएम भूपेश बोले उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, योगी सरकार पर दिया था विवादित बयान। महापंचायत को लेकर मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा कि किसान मुद्दा नहीं, हो रही राजनीति। लखनऊ में 500 और 100 रुपए के जाली नोट के साथ सपा का जिला पंचायत सदस्य गिरफ्तार, गाजीपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रयागराज आगमन की तैयारी जोरों पर, पोलो ग्राउंड में बन रहे 3 हेलीपैड। रोजगार आंदोलन तेज करने का लिया संकल्प, 17 सितंबर को प्रयागराज में जुटेंगे बेरोजगार युवा। लखनऊ में संगठन महामंत्री सुनील बंसल बोले, दुनिया के सभी देश भारत से करना चाहते हैं दोस्ती। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।